तो दोस्तों, अगर आप लोग के पास भी एक्सनेस एप्लीकेशन है और अगर आप लोग को नहीं पता है कि एक्सनेस एप्लीकेशन में कैसे ट्रेड किया जाता है, तो दोस्तों एक्सनेस एप्लीकेशन का पूरा ओवरव्यू इस वीडियो में आप लोग को देने वाला हूँ। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आप लोग को इस वीडियो में पता चलने वाली है, तो वीडियो को जो एंड तक देखते रहना, चैनल पर नहीं तो या चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग को मैं बता देता हूँ कि अगर आपके पास एक्सनेस का अकाउंट नहीं है और आप लोगों ने इसमें केवाईसी नहीं कर रखा है, तो आप लोग बिना केवाईसी के आप लोग इसमें ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में उसमें एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके ओपन करना है एंड केवाईसी कंप्लीट करना है। अब केवाईसी कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जाकर के देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और केवाईसी कंप्लीट कर लेना। देखो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग को मोबाइल में ट्रेड करके बताऊंगा, उसके बाद आप लोग जो है लैपटॉप में भी ट्रेड कर सकते हो, जिनके पास लैपटॉप है उनके लिए काफी ज्यादा और भी इजी हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, एप्लीकेशन जैसे ही आप लोग का ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर अकाउंट्स में नीचे की ओर देखो तो ये एक डेमो अकाउंट है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोग को यहाँ पर देखो रियल और डेमो दो अकाउंट मिलेंगे। रियल में क्या होगा, रियल में आप लोग का रियल पैसा लगेगा, ये ठीक है, यानी कि आप लोग को खुद के पैसे लगाने पड़ेंगे तब आप लोग ट्रेड कर पाओगे। लेकिन अगर आप लोग नए हो, बिगनर हो, तो आप लोग डेमो में ट्रेड करो, ये पैसे आप लोग को फ्री में मिल जाएंगे ट्रेड करने के लिए और आप लोग को देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए कि कैसा क्या प्रोसेस रहता है, ठीक है। सो डेफिनेटली आप लोग को सबसे पहले तो डेमो में ट्रेड करना है, अगर आप लोग सीख जाते हो तो ही आप लोग को ट्रेड करना है रियल मनी से। दोस्तों, अगर आप लोग रियल अकाउंट में ट्रेड करना चाहते हो तो सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कर देना, यहाँ पर आप लोग को एक रियल का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, रियल एंड डेमो का। तो सिंपली आप लोग को रियल वाले बटन पर क्लिक करना है। रियल वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद अभी देखो यहाँ पर कोई भी रियल अकाउंट ट्रेडेड नहीं है, मतलब रियल अकाउंट कोई भी नहीं है। तो सिंपली यहाँ पर आप लोग को प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। तो सिंपली आप लोग को रियल वाले बटन पर क्लिक कर देना है। रियल वाले बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे आप लोग को जो है पैकेज देखने को मिलेंगे, या फिर कह लो बहुत सारे प्लान देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग ये सभी लोगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि क्या कहते हैं, स्पीड जो है आपका बढ़ जाएगा। देखो ये स्पीड क्या होता है वो मैं आप लोग को आगे बता दूंगा, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझना। बाकी जब भी आप लोग अकाउंट ओपन करो तो जीरो से ही अकाउंट ओपन करना, इसमें आप लोग को मिनिमम डिपॉजिट $500 का लगता है, ठीक है। अब देखो जैसे ही आप लोग यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करोगे, यानी कि कंटिन्यू बटन पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले करेंसी चूज करना है। अगर आप लोग USDT में रखना चाहते हो तो USDT में रख देना। बाकी लेवरेज यहाँ पर चूज करना है। लेवरेज क्या होता है, जैसा कि मान लो अगर आप लोग 100 रुपीज़ का यहाँ पर कुछ कोई भी चीज़ बाई करोगे तो वो बाई होगा आपके लेवरेज के हिसाब से। अगर आप लोग 2000 का लेवरेज लेते हो तो आप लोग का यहाँ पर अगर 100 रुपीज़ लगाते हो तो आप लोग का बाई होगा कितने का, 2 लाख रुपीज़ का, ठीक है। यानी कि ये एप्लीकेशन खुद की तरफ से ये चीज़ें प्रोवाइड करता है, तो इस वजह से आप लोग जो है ट्रेड कर पाते हो क्या कहते हैं BTC में या फिर गोल्ड में, ठीक है। लेवरेज की वजह से थोड़ा ज्यादा आप लोग का फायदा यहाँ पर मिलता है। इस एप्लीकेशन में आप लोग को अनलिमिटेड तक लेवरेज मिल जाता है, बट इतना लेवरेज नहीं लिया जाता है। आप लोग को मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 1.5 का जो है लेवरेज लेना है, उससे ज्यादा का लेवरेज लेना ही नहीं रहता है, चाहे आप डेमो ट्रेड करो चाहे आप रियल ट्रेड करो। हाँ, अगर आप लोग को लगता है कि आपका जो है एनालिसिस बहुत ही तगड़ा है, आप लोग बहुत ही ज्यादा पैसे बनाने वाले हो, तो लेवरेज ज्यादा ले सकते हो। अभी देखो यहाँ पर अकाउंट निकनेम में आप लोग को अकाउंट का निकनेम डाल देना है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ आप लोग को समझाने के लिए। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है एंड पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है। पासवर्ड जो भी डालोगे यहाँ पर सिंपली ओपन बटन पर क्लिक करोगे, आपका अकाउंट क्रिएट होके ओपन हो जाएगा। उसके बाद अब देखो सबसे जरूरी चीज क्या होता है कि आपके पास पैसे होने चाहिए अगर आप लोग रियल से ट्रेड कर रहे हो तो। बाकी डेमो में तो आप लोग खुद से ही सेट कर सकते हो, वो डेमो में आप लोग को बताऊंगा कैसे करना है। तो रियल में अगर ट्रेड करना चाहते हो तो आप लोग को पैसे कैसे ऐड करना है, सिंपली डिपॉजिट बटन पर आप लोग को क्लिक कर देना है। क्रिप्टो में डिपॉजिट ना करके आप लोग को जो है और भी मेथड्स चाहिए तो सिंपली ऑल पेमेंट मेथड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सारा मेथड आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को जो है TRC20 का भी ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर एस्ट्रो पे वॉलेट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, बैंक कार्ड से भी आप लोग डिपॉजिट कर सकते हो, बाइनेंस से भी डिपॉजिट कर सकते हो, और यहाँ पर आप लोग को UPI का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो यहाँ पर स्कैन एंड पे के थ्रू भी आप लोग जो है डिपॉजिट कर सकते हो। सिंपली 150 मिनिमम आप लोग का USDT यहाँ पर लगेगा, ठीक है। यहाँ पर सिंपली जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर अपना अमाउंट डाल देना है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग का पैसा भी बताएगा कितना से कितने के बीच में आप लोग को डिपॉजिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जितना भी अमाउंट डालना चाहते हो सिंपली अमाउंट डाल देना। मिनिमम $150 का अमाउंट आप लोग यहाँ पर इंटर कर देना है, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग का सारा डिटेल देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, सिंपली आप लोग को स्कैन करके पेमेंट करना होता है। स्कैन करके पेमेंट कैसे करना है, सिंपली कंफर्म बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक स्कैनर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डिपॉजिट वाला ऑप्शन खुल रहा है, अब आपके सामने एक स्कैनर आ जाएगा। उस स्कैनर पर आप लोग को अपने मोबाइल से या फिर फोनपे से या फिर गूगल पे से जिससे भी पेमेंट करना है आप लोग सिंपली पेमेंट करना एंड पेमेंट करने के बाद जो UTR उसमें होता है उस UTR को यहाँ पर फिल कर देना एंड डिपॉजिट बटन पर क्लिक करना। आपका डिपॉजिट सक्सेसफुली क्या कहते हैं हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अकाउंट में ऐड हो जाएगा और आपका बैलेंस जो है यहाँ पर रियल मनी में शो करने लगा है USDT में, ठीक है। अब आप लोग जो है ट्रेड करने के लिए इलिजिबल हो, तो सबसे पहले तो मैं डेमो वाले अकाउंट पर शिफ्ट हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक भी पैसे ऐड नहीं किया है, क्योंकि मेरे को समझाना है और समझाते वक्त मैं ओरिजिनल ट्रेड भी नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि ट्रेड कभी भी कुछ भी नहीं होता है, ट्रेड में बहुत सारी चीजें होती हैं, एनालिसिस वगैरह करनी पड़ती है। तो ट्रेड करने के लिए आप लोग को देखो यहाँ पर सिंपली ट्रेड वाले सेक्शन पर आ जाना है।
ट्रेड वाले सेक्शन पर आने के बाद यहाँ पर आप लोग जो है गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो, एप्पल में ट्रेड कर सकते हो, या फिर यूएस डॉलर में कर सकते हो, यानी यूरो में कर सकते हो, और बहुत सारे यहाँ पर जो है पेयर्स है जिनमें ट्रेड कर सकते हो। बीटीसी में ट्रेड करने के लिए आप लोग को डेस्कटॉप साइट पे जाना पड़ेगा। अगर डेस्कटॉप साइट पे जाओगे तो और भी ज्यादा बढ़िया रहता है ट्रेड करने के लिए। ट्रेड करने के लिए सिंपली अगर मान लो मेरे को गोल्ड में ट्रेड करना है, तो देखो दोस्तों अब जो भी यहाँ पर आप लोग को लगता है, मान लो मार्केट लगता है कि ऊपर जाएगा यानी कि अपसाइड के लिए रैली करने वाला है या फिर डाउनसाइड के लिए रैली करने वाला है, उस बेसिस पर आप लोग को यहाँ पर ट्रेड लेना है। अगर आपको लगता है अपसाइड के लिए जाएगा तो आप लोग को सिंपली बाय करना है, अगर आपको लगता है मतलब डाउनसाइड के लिए जाएगा तो सिंपली सेल करना है। सबसे पहले तो आप लोग को चार्ट वगैरह देख लेना है, एनालिसिस कर लेना है। होप आप लोग को ट्रेडिंग आती होगी तभी आप लोग ट्रेड कर रहे हो, अगर ट्रेडिंग नहीं आती है तो अवॉइड करो, अदरवाइज आप लोग का यहाँ पर लॉस होगा अगर बिना सीखे करोगे तो। अब यहाँ पर जो भी आप लोग को चार्ट देखने को मिल रहा है, सबसे पहले तो इस चार्ट को आप लोग यहाँ पर बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग का टाइम फ्रेम है 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट, जो भी है टाइम फ्रेम चूज कर लो। ठीक है, टाइम फ्रेम चूज करोगे तो यहाँ पर टाइम फ्रेम क्या होता है वो मैं एक चीज बता देता हूँ। जो भी ये कैंडल्स एक एक बन रही है, जो एक एक कैंडल्स बन रही है वो सभी जो है 15 मिनट की होंगी। जितना का टाइम फ्रेम चूज करोगे 1 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, वो सभी कैंडल जो है यहाँ पर एक एक कैंडल उतने मिनट का शो करेगा। ठीक है, अभी मैंने 15 मिनट सेलेक्ट किया तो यहाँ पर 15 मिनट का एक कैंडल बन रहा है। तो अब देखो होगा क्या गाइस, मेरे को लगता है यहाँ पर मार्केट अप की ओर रैली करेगा तो सिंपली मेरे को बाय बटन पर क्लिक करना है। अगर मेरे को लगेगा कि मार्केट नीचे की ओर जाएगा तो मैं नीचे की ओर यहाँ पर जो है बाय करूंगा। तो देखो यहीं पर आप लोग को चार्ट पर ही टारगेट और एसएल देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली मैं जो एसएल बटन पर क्लिक करता हूँ और मेरे को एसएल कितना देना है, मान लो मेरे को एसएल देना है 200 रुपीज़ का या फिर 300 रुपीज़ का, जितना का भी एसएल देना है उतना का मैं एसएल दूंगा। ठीक है, और टारगेट मेरे को कितना देना है, टारगेट मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, टारगेट पर मैं जो यहाँ पर क्लिक करूंगा। ठीक है, एसएल मैं यहाँ पर नीचे की ओर लगाऊंगा। ठीक है, एसएल मैं इस कैंडल के लो पर लगा दूंगा और टारगेट मेरे को जितना चाहिए मैं वहाँ पर लगा दूंगा। ठीक है, इसको लगा दूंगा। ये डायरेक्ट मेथड है, आप लोग को स्क्रीन पर ही सारी चीज़ें करने को मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पर आप लोग का लॉट वगैरह सारा चीज़ दिखाई देगा कि लॉट आप लोग कितना बाई कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग को लॉट वगैरह भी सिलेक्ट कर लेना है खुद से। ठीक है, यहाँ पर 0.01 मिनिमम आप लोग का लॉट बाई होगा, उससे मतलब कम नहीं हो सकता है। और लेवरेज यहाँ पर देख सकते हो 1.5 का लेवरेज सिलेक्टेड है। आप लोग लेवरेज बढ़ाओगे तो यहाँ पर अमाउंट आप लोग का कम लगेगा, लेवरेज कम करोगे तो आप लोग का अमाउंट ज़्यादा लगेगा। फी आप लोग देख सकते हो, इतना सारा फी आप लोग का लगेगा, यानी कि 9 रुपीज़ के आसपास फी आप लोग का लगने वाला है। सारी चीज़ें आप लोग क्लियरली देख लो गाइज यहाँ पर। देन उसके बाद यहाँ पर आप लोग का प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का जो है प्राइस सिलेक्टेड है। अब दोस्तों मान लो आप लोगों ने चार्ट पर ही एसएल और टारगेट सेट कर दिया है तो सिंपली यहाँ पर कंफर्म बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपका जो है प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर चलते रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग का प्रॉफिट और लॉस चलेगा। अब आप लोग इसको मैनेज कर सकते हो यहाँ से भी, जैसे मान लो यहाँ पर अकाउंट वाले सेक्शन पर आओगे तो यहाँ पर भी आप लोग का प्रॉफिट और लॉस चलते रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप लोग कर क्या सकते हो, यहाँ से भी आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पर एडिट कर सकते हो, आपका प्रॉफिट मान लो आपको और ज़्यादा चाहिए तो और ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हो, और आपको लगता है कि उतना ही मिल सकता है तो उतना पर आप लोग जो है लगा सकते हो। जैसे मान लो, जैसे कि यहाँ पर अगर ट्रेड में मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, अगर अभी मार्केट कितना चल रहा है 2504 के आसपास चल रहा है, तो आप लोग को लगता है 2600 के आसपास जाएगा और एसएल मेरा कितना हो सकता है 2400 के आसपास जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहीं से मतलब अकाउंट पर आकर के सिंपली यहां पर क्लिक करके आप लोग जो है यहां पर एसएल और टारगेट लगा सकते हो। ठीक है, देखो जैसे ही टारगेट हिट होगा या फिर एसएल हिट होगा ये पोजीशन कट हो जाएगा और लॉस या फिर प्रॉफिट करके ये आप लोग का ट्रेड बाहर हो जाएगा। और अगर आप लोग को मैनुअली क्लोज करना है तो सिंपली क्लोज ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। क्लोज ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद कंफर्म बटन पर क्लिक कर दोगे तो ये ऑर्डर क्लोज हो जाएगा। जैसा कि देख सकते हो क्लोज हो चुका है। डायरेक्टली चार्ट से ट्रेड लेना तो आप लोग सीख गए। अब देखो आप लोग को लगता है कि लिमिट ऑर्डर लगा करके ट्रेड करना चाहिए, मतलब यहाँ पर आएगा तभी मेरा बाई हो। आप लोग डायरेक्टली वैसे बाई कर ले रहे थे लेकिन अब आपको लगता है कि यहाँ पर आएगा तभी मेरा बाई होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करना है, मान लो मेरे को यहाँ पर लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो मैं सेल बटन पर क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पर सेल लिमिट पर क्लिक करूंगा। अभी देखो मार्केट कितना चल रहा है, 2504 पर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर 2504 पर चल रहा है तो मैं यहाँ पर सेल लिमिट कितना लगाऊंगा, कितना पर आए तो ये मेरा बाई हो जाए, 2500 पर मान लो आए तो ये हमारा बाई हो जाए। तो ये देखो मेरा मतलब कन्फर्म ऑर्डर पर मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा ऑर्डर लग चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी देखोगे तो ये ऑर्डर पेंडिंग में रहेगा। ये ऑर्डर पेंडिंग में रहेगा जब ही ये तब एग्जीक्यूट होगा जब यहाँ पर मेरा जो है जितना का मैंने लिमिट लगा रखा है उतना पर ये आएगा तब। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को गाइस थोड़ा सा वेट करना पड़ता है आपके पोजीशन का एग्जीक्यूट होने का। अगर आपको लगता है कि थोड़ा टाइम है तो आप लोग चिल कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर आप लोग का सारा पोजीशन तो शो होते रहेगा गाइस। ठीक है, अब यहाँ पर से ही आप लोग डायरेक्टली टारगेट और एसएल भी लगा सकते हो। यहाँ पर क्लिक करोगे तो देखो अब मान लो 2506 पर या फिर 2504 पर ये चल रहा है, आपको लगता है कि टारगेट मेरे को मिलना चाहिए यहाँ पर 2600 तक का, यहाँ तो आप लोग को सिंपली टाइप करना है 2600।
ठीक है, सॉरी अगर आप लोगों ने सेल किया है तो नीचे का आप लोग को अमाउंट डालना पड़ेगा, अगर आप लोगों ने बाई किया है तो ऊपर का अमाउंट डालना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है, सेल किया है, तो मेरे को जितना ज़्यादा ये घटेगा इसका वैल्यू उतना फ़ायदा होगा, और अगर इतना पर आए तो मेरा यहाँ पर जो है लॉस बुक हो जाना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। अब देखो एक और चीज़ आप लोग को बता देता हूँ यहाँ पर गाइस, आप लोग यहाँ पर क्लियरली सारी चीज़ें देख सकते हो कि कितना आप लोग का पैसा लग रहा है और कितना आप लोग का प्रॉफिट हो रहा है, कितना आप लोग का लॉस हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, और आप लोग का यहाँ पर कितना पैसा लगने वाला है वो सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो सिंपली आप लोग को कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है, जो भी आप लोग चेंजेस करोगे तो देन उसके बाद आप लोग का यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूटिव वगैरह हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस चलना चालू हो जाएगा गाइस। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर जो है मेरा पेंडिंग ऑर्डर हट चुका है एंड यहाँ पर ये जो ओपन पोजीशन में आ चुका है, एंड ओपन पोजीशन में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस फिर से चलना चालू हो चुका है। तो इस तरीके से गाइस आप लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, एसएल लगा सकते हो, टारगेट लगा सकते हो और अपने पोजीशन को मैनेज कर सकते हो। अब जो भी प्रॉफिट वगैरह होता है उसको सिंपली यहाँ से आप लोग को बुक कर देना है। मान लो आपके रियल अकाउंट में जितने भी पैसे आप लोग विड्रॉ लगाना चाहते हो सिंपली विड्रॉल बटन पर क्लिक कर देना गाइस। विड्रॉल बटन पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि किस किस चीज़ में विड्रॉ लगा सकते हो और किस में कितना मिनिमम विड्रॉ है। बाइनेंस पे में आप लोग का जो है $1 भी विड्रॉ लगा सकते हो, फाइनेंस पे में आप लोग $1 का भी विड्रॉ लगा सकते हो, BTC में मिनिमम 200 का विड्रॉ आप लोग को देखने को मिलेगा, एंड इन सभी चीज़ों में आप लोग विड्रॉ लगा सकते हो। तो जिसमें भी विड्रॉ लगाना चाहते हो आप लोग विड्रॉ लगा लेना गाइस। विड्रॉ लगाने के लिए सिंपली उस पर क्लिक कर देना एंड उसका ID भर देना, मतलब TRC20 में अगर विड्रॉ लगाना चाहते हो तो उसका ID आप लोग को मिला होगा। आप लोग चाहे BTC में ID उसका ले लो, चाहे WazirX में से आप लोग ID ले लो, या फिर किसी भी जो है क्रिप्टो करेंसी एप्लीकेशन वाले में से उसका ID लेके, तो आप लोग को यहाँ पर TRC20 का एड्रेस डाल देना है। देन एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर आप लोग को अमाउंट डाल देना है। अमाउंट डालने के बाद सक्सेसफुली इसको जो है कन्फर्म कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर विड्रॉल सक्सेस हो जाएगा। अब देखो क्रिप्टो करेंसी कौन सा आप लोग एप्लीकेशन यूज कर सकते हो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के लिए आप लोग जो है यहाँ पर क्या कहते हैं सन क्रिप्टो यूज कर सकते हो या फिर WazirX यूज कर सकते हो, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे आप लोग को ट्रेड करना है, विड्रॉ करना है, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।